गरुड़ पुराण में व्यक्तियों के कर्मों का लेखा जोखा होता है, यानी जैसे कर्म वैसा जन्म। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को कर्मों के अनुसार बदलती है। गरुड़ पुराण में जिक्र मिलता है कि मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा होता है और उसी अनुसार उसका जन्म और कर्म निर्धारित होते हैं, जिससे मनुष्य का पाप और पुण्य का फल उसे अगले जन्म में मिलता है। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, या फिर वो इसी मृत्युलोक में भटकेगा। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में, यानी किस योनि में पशु पक्षी मानो आखिर क्या होगा का विस्तार से जन्म मिलता है। वहीं से हम आपके लिए लाए हैं कि किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है। जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या वो उनका तिरस्कार करते हैं, वो अगले जन्म में भयंकर रोगों से पीड़ित होते हैं। वही आप प्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाले कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है जो मनुष्य छल कपट धोखा देता है वो अगले जन्म में उल्लू का जीवन बिताता है। वहीं झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में अंधा और बहरा पैदा होता है। गरुड़ पुराण में जिक्र मिलता है कि व्यक्ति हिंसा करके परिवार का अगर पालन पोषण करता है, जैसे लूट खसोट, जानवरों को सताना, जीव हत्या, शिकार करना, अगले जन्म में वो किसी कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनता है या फिर मुर्गा बनता है, जिसकी उसी के कर्मों के अनुसार गर्दन हलाल होती रहती है जितना इस जन्म में वो करता है। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म धरती पर और मृत्यु लोक में मृत्यु से तुल्य कष्ट देने वाला मिलता है, क्योंकि उसकी गर्भ में भी मृत्यु हो सकती है। वहीं गुरु का अपमान करने, भगवान का अपमान करके लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले के लिए हमेशा नरक के द्वार खुले प्रतीत होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में महाराक्षस बनता है। और यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो उसके कर्मों के अनुसार मुक्ति का मार्ग प्राप्त, यानी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हरि का नाम जपना चाहिए ताकि हरि की प्राप्ति हो। वहीं स्त्री की हत्या, गर्भपात कराने या करने वाले भिल्ली रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख कुबड़ा और ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के साथ साथ अगले जन्म में चंडाल योनि और गरीब घर में पैदा होते हैं, जिससे पूरा जीवन कष्ट में गुजारते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है कि व्यक्ति जिसे पूंजता है वो उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूंजने वाला देवताओं को, मजार और लाश राक्षसों को, या फिर शैतानों को पूंजने वाला शैतान को प्राप्त होता है। अच्छे स्वभाव और हरि नाम का लेने वाला हरि को प्राप्त होता है। इसलिए आप जैसा मन में सोचेंगे, जैसे विचार करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, उस क्रिया आचार विचार सदाचार आपके अंदर होगा। परोपकारी को अपना गुरु मानने वाला परोपकारी होता है। वहीं चंडाल या फिर राक्षसों की जैसी प्रवृत्ति करने वाला उसी संगति में जाता है। ये थे गरुड़ पुराण और व्यवहारिक चीज़ें। आपको कितना इसमें कैसा प्रतीत होता है का नीचे जिक्र अवश्य करिएगा। हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान सबका कल्याण करे। पुराणों से ऐसी ही बातें हम अध्ययन करते हुए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय माता दी।